दोस्तों, आज की जो हमारी जिंदगी है आधुनिक काल की ऐशो आराम की, क्या पहले हमारे पूर्वज यानी आदि मानव की जिंदगी ऐसी थी? आदि मानव के परिवार का विस्तार कैसे हुआ? वो सेक्स कैसे किया करते थे? हम बंदर से आदि मानव और आदि मानव से इंसान कैसे बन गए? यही आप इस वीडियो में जानेंगे। तो देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से अरबों साल पहले हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी और इन्हीं अरबों साल में लगभग 6,50,00,000 साल पहले इस धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था, जो कि लगभग 14,00,000 सालों तक इस धरती पर जीवित रहे। लेकिन नेचुरल घटनाएं होने की वजह से लगभग 6,50,000,000 साल पहले ही डायनासोर का खात्मा हो चुका था। इसके बाद इंसानों की उत्पत्ति होना शुरू हुआ। आज से लगभग 5,50,000,000 साल पहले इस धरती पर इंसान बनने की कहानी शुरू होती है और वो कहानी है हम यानी इंसान। दोस्तों, यह सच्ची बात है कि हम इंसान को इस धरती पर कई दशक बीत गए। करोड़ों साल पहले जब जिंदगी की शुरुआत हुई तो बंदर जैसी प्रजाति आई थी और इन्हीं बंदरों में से एक नए नस्ल का आगाज हुआ, जिसे हम आदि मानव के नाम से जानते हैं। इन्हीं आदि मानव की ना जाने कितनी प्रजातियां इस धरती पर लाखों साल पहले राज किया करती थी। इन्हीं में से एक प्रजाति थी होमो सेपियंस, इसे हम यानी मानव बने। होमो सेपियंस करीब 30,00,000 साल पहले अफ्रीका के कई भागों में पाए जाते थे। ये जिस्मानी तौर पर कद में थोड़े छोटे और शरीर पर लंबे लंबे बाल हुआ करते थे। ये सभी आदि मानव एक ग्रुप में ही रहा करते थे और एक दूसरे की हिफाजत भी किया करते थे। इस ग्रुप में मादा से ज्यादा नर आदि मानव की जनसंख्या ज्यादा हुआ करती थी। दोस्तों, बंदर जैसी इस प्रजाति ने अपने दो पैरों पर चलना सीख लिया और खाने की तलाश में शिकार करना शुरू कर दिया था। इनके न तो नोकीले दांत थे और न ही बड़े पंजे, इसलिए ये शिकार के लिए लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल किया करते थे। जंगली जानवर के डर से आदि मानव हमेशा झुंड में रहा करते थे, जिससे उन्होंने परिवार बनाना सीख लिया था। आदि मानव जंगल में किसी दूसरे जानवरों की तरह ही रहा करते थे। कभी कभी ये खतरनाक जंगली जानवर का शिकार भी बन जाया करते थे। ये एक परिवार बनाकर रहते थे और ग्रुप में ही भोजन की तलाश किया करते थे। भोजन न मिलने पर ये जड़ी बूटियों या जंगली फल भी खाकर अपना पेट भर लिया करते थे। आदि मानव जानवरों का शिकार करने के लिए लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल करते थे, फिर इन्हीं लकड़ी और पत्थर से धारदार हथियार बनाना शुरू कर दिए। माना जाता है कि होमो सेपियंस मांस खाने के शौकीन थे और जानवरों द्वारा किए गए शिकारी मांस को चुराकर खा जाया करते थे। बड़े बड़े मरे हुए जानवरों को काट काट कर खाते थे। जब ये मांस खाने लगे तो इनका दिमाग धीरे धीरे बड़ा और विकसित होने लगा और इनके अलावा कई और तरह तरह के बदलाव इनके शरीर में आने लगे। ये प्रजातियां लगभग 15,00,000 साल इस धरती पर राज किया और आज से करीब 14,00,000 साल पहले दुनिया से इनका खात्मा हो चुका था। लेकिन इनकी कुछ प्रजाति आज भी अफ्रीका में पाई जाती है। इन प्रजातियों के खत्म होने की सबसे बड़ी वजह थी मौसम तब्दीली, जिसने लाखों साल पहले इस धरती से होमो सेपियंस का नामो निशान मिटा दिया था। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही और हमारे पूर्वज विकसित होते चले गए। दोस्तों, शुरुआत में आदि मानव कपड़े नहीं पहनते थे, ये हमेशा नग्न ही घूमा करते थे। इनके सेक्स करने के लिए नियम या टाइम नहीं होता था। इन आदि मानव के घर में जो बड़ा हुआ करता था वो किसी के भी साथ संभोग कर लेते थे और उनके ही बच्चे आगे बढ़ा करते थे। इस तरह से धीरे धीरे उनके वंशज का विस्तार होता चला गया और इसी विस्तार में जैसे जैसे आदि मानव विकसित होने लगे तो वैसे वैसे आग जलाना सीख लिया और झोपड़ी बनाकर गुफाओं में रहने लगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।